क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, फाइंड आउट लेबर कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स. तो लेबर कॉस्ट निकालनी है पर डे की, यानी एक दिन की. फिर 8 आवर्स, 8 आवर्स दिया है मतलब जो एक दिन है उसमें जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं, 8 आवर्स. अब फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, बेसिक सैलरी 20 रुपीज पर डे. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, बेसिक सैलरी लिखो, अगर 20 रुपीज पर डे है तो पर मंथ का कितना होगा बताओ. और यहाँ पे देखो देखो एक दिन का दिया है, वैसे भी हमको क्वेश्चन में वो एक दिन का ही निकालने बोला है तो हम एक दिन के हिसाब से ही निकालते हैं. तो सीधा 20 लिखो. नेक्स्ट देखो सेकेंड पॉइंट, महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस में आओ, देखो क्या दिया है, 20 पैसा पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पॉइंट अबव 100 पॉइंट्स, करंट इंडेक्स 700 पॉइंट. देखो 100 बिंदु से ऊपर, अगर 100 से ज्यादा है तो हर पॉइंट पे कितना मिलेगा, 25 पैसा. तो अभी अपने पास करंट कितना है, 700, तो बताओ कितना होगा. देखो हर 100 के ऊपर, देखो 17,500. देखो हर 100 के ऊपर बोला है, फिर उसके बाद देखो तो अबव 100 बोला है और हमारे पास कितने हैं, 700. इट मींस हमको 600 का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अबव 100 100 से ऊपर हुआ तो हमारे पास कितना है, 700. तो 100 से ऊपर मतलब कितना आ जाएगा, हमको 600 के बेस पे निकालना है. फिर आगे देखो, लीव सैलरी दिया है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड. नीचे देखो वर्किंग डेज कितने हैं, 25 दिन. 25 डेज काम करते हैं वो लोग एक महीने में. देखो हर 100 के ऊपर 25 पैसे मिलेगा, है ना, जितना भी होगा उस पे. तो 600 पॉइंट्स है अपने पास एक्स्ट्रा. अब 100 पॉइंट्स है ना, तो हर 100 के ऊपर 25 पैसा, तो 600 पे कितना मिलेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 25 पैसे से. तो 0.25 करो या 25/100 करो, बात एक ही होगी. तो 600 × 25 क्या, उसको डिवाइड कर दो 100 से, ये हो गया 25 पैसे वाला कैलकुलेशन. कितना हुआ, 150 बोल रहे हो आप लोग. वर्किंग डेज कितने हैं, 25 दिन है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 6 रुपए. अब हुआ क्लियर. यस मैम. आगे देखो, लीव सैलरी 1 व 2, मतलब ए और बी, ये वाला जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, इसका कितना परसेंट, 10%. 10% ऑफ 1 एंड 2. तो ये देखो 20 + 6 कितना हो गया, 26. 26 का 10% कितना होगा, 26 का 10% 2.60. इधर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में. फोर्थ, लीव सैलरी हो गया. अब देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, देखो इसमें एक करके दिया है, किसका, प्रोविडेंट फंड का. प्रोविडेंट फंड कितना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों का कितना परसेंट, 8%. तो फर्स्ट कितना था अपने पास, देखो 20 + 6
सिक्स प्लस 2.6, बताओ टोटल कितना हुआ? 20 प्लस 6, 26 प्लस 2.6, 28.6. इसका कितना परसेंट? 8%. कितना हो जाएगा 8%? आ रहा है सबका? फिर स्टेट इंश्योरेंस देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का फिर कितना परसेंट? 3%. यानी ये 28.6 का कितना होगा? 28.6 का 3% 0.86. नेक्स्ट देखो, एमिनिटीज टू लेबर, फिफ्थ पॉइंट, एमिनिटीज टू लेबर कितना हो जाएगा? देखो 206.25 पर मंथ. तो अगर ये पर मंथ का है तो मैंने बताया 25 वर्किंग डेज है आपके पास, तो एक महीने का आ गया कितना आ रहा है? 8.25. तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है टोटल? ₹40 बन गया क्वेश्चन. किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, नहीं तो नेक्स्ट करते हैं फिर. हालसे मेथड का फॉर्मूला लगाओ पहले जल्दी से. क्या है फॉर्मूला हालसे का बताओ? टाइम टेकन इनटू आवरली रेट. भूल गए क्या फॉर्मूला तुम लोग? प्लस ब्रैकेट में लो परसेंट ऑफ प्रीमियम इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट. टाइम टेकन कितना टाइम ले रहा है? देखो 6 आवर्स इनटू करेंगे. आवरली रेट कितना दिया है? देखो 1 hourly rate batao. कितना आ रहा है आंसर? डिफरेंस निकालो.
आगे देखो, हालसे मेथड में ये आया आंसर, ये रोवन मेथड में ये फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऐड किया। अब इसमें एक चीज और मिसिंग है, बताओ क्या? कोई एक्सप्लेन करेगा कहां पॉइंट में मिसिंग है? बताओ अलका। मोनिका, मैम इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो पहले भी सेम ही आ रहा था जो अभी आ रहा है. अपन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस निकाले है ना, हाँ वो पहले भी बिना निकाले वही सेम ही आ रहा था, और अभी निकाल कर भी सेम ही आ रहा है. क्योंकि अमाउंट हमने उतना ही ऐड किया है. कुछ एक हाँ लॉजिक है इसमें, बताओ क्या ऐड होगा? बताओ अलका, बताओ अभी किसने बताया? अलका नहीं बताया, चलो इसको अब कल कंटिन्यू करेंगे.